वीडियो खरीद लिए तो कुछ भी करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाला हूं, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और इस वीडियो पर रिएक्शन करने के लिए मुझे कई सारे दोस्तों ने कहा है कि यार इस वाली वीडियो पर रिएक्शन कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है राधा कृष्ण फनी एंड फाइट सीन्स। तो आज की वीडियो में हम लोग राधा कृष्ण सीरियल से फनी और फाइट सीन्स देखेंगे। तो चलिए चल के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे। तो बिना किसी तखिर के चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तुम तो जानती हो ना, तुम समझाओ ना मैया को, तुम्हें तो पता है ना कि मैं उपवास कर रहा था, बताओ ना। कहा ना ये घड़े अभ्यास के लिए खरीदे। ये क्या अभ्यास है? ऐसा वो हमारे घड़े हाँ, और वो अभी अभी मैंने खरीदे। अभी जो खरीद लिए तो कुछ भी करें, दान दूं या तुम्हें क्या बोले? का पत्र देने आया था। वही तो, यदि तुम्हें अपने बाबा का पत्र ही देना था तो सीधा हाथ में दे देते, क्योंकि तुम जान गए थे कि मैं ही श्री विश्राम जी की पुत्री हूँ। किंतु तुमने ऐसा नहीं किया और यहाँ पर चले आए। पहली बार तो आया नहीं हो यहाँ पर तुम, और ये बांसुरी की धुन में पहले भी कहीं बार सुन चुकी हूँ। तो और क्या करूँ, घोर से न जाने में तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते और यहाँ मेरी ही सखी के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोगों को कब से ये बांसुरी की धुन अच्छी लगने लगी? हाँ, हो क्या गया तुम सबको? हमें तो सदा से ही अच्छी लगती थी, किंतु तुम्हें ही नहीं भाती थी, इसलिए हम भी मौन रहते थे। देखा, मैंने कहा था इस प्रतियोगिता में जीतूंगा भी मैं ही, तुम्हारे साथ उस झूले पर बैठूंगा भी मैं। कैसे कृष्ण को अपने साथ इस झूले पर बैठने से रोकूं? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक तुम बैठे नहीं हो। मैं बेसुध नहीं हुई थी, मुझे सब स्मरण है। अच्छा, यदि तुम्हें सब स्मरण है तो अब तुम ही बता दो सबको क्या हुआ था। मैं आगे भाग रही थी और ये मेरा कथित रक्षक स्वयं मुझसे डरता मेरे पीछे भाग रहा था। और फिर क्या हुआ? और फिर अचानक हमें सैनिकों ने घेर लिया और बचने का कोई मार्ग ही नहीं था। तुमने ठीक नहीं किया राधा। ऑसम सीन, क्योंकि मैया को लाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे क्रोध आ रहा है। क्रोध तो मुझे भी आ रहा है कृष्ण, स्वयं को कि जैसे को तैसा करने में मैंने इतना समय क्यों लगा। तुम हमारे मध्य अपनी माया को लिया है और मैं हमारे बीच में तुम्हारी मैया को लिया है। चल के आप मन और यहाँ क्या करने आते हो? यदि तुम जानना ही चाहती हो तो बता देता, मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं।
प्रेम करें। विशाखा ध्यान रखना अपना। नंदिनी तुम भी संभल के जाना। दादामिनी सुनो कल यमुना किनारे मैंने तुमसे झूठी मित्रता का नाटक किया। क्या क्यों राधा क्या भूल थी मेरी बताओ वो क्या मैं क्या मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा छल करोगी। इस शब्दों से कुछ और कहोगे और मन में बस राधा बस नहीं नहीं कुछ मत कहो कुछ मत कहो। छल का इतना बड़ा प्रहार सहा है आज मेरे हृदय ने इससे पश्चात कुछ सुनने की शक्ति नहीं बची है। क्या अब मैंने क्या किया ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि कितने बड़े दुष्ट हो तुम। इस संकट की घड़ी में भी उपहास तुम जैसे दूध कोई सूझ सकता है। समय स्थान परिस्थिति किसी का कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे बचाने का बहाना बनाकर यहाँ खींच रहा है मुझ पर इस वृक्ष को गिरने से बचाने का ढोंग किया। कह रहा हूँ चक्कर आ रहे थे अब ऐसे में है और ध्यान के कारण राधा मूर्छित होकर गिर पड़े। कभी उनसे जब उसे पकड़ने ही वाले थे कि मैं वहाँ पे आ गया और मैंने इनकी रक्षा की। झूठ सब झूठ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मूर्छित को रक्षा किसे ज्ञात होता है क्या हुआ मानना पड़ेगा। क्या संस्कारी लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए मेजबान काका ने किसी की कुदृष्टि ना लगे इसे। मुस्कुराओ मत मैं यहाँ फंसी हूँ और तुम्हें छोड़ी सूझ रही है। रिश देखो ये उचित नहीं है। हाँ तो मैं बता रहा था अब कंस के सैनिकों को देख के राधा भयभीत होकर वहां से भाग निकले। अब कंस के सैनिक उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब राधा आगे आगे कंस के सैनिक उसके पीछे पीछे अब दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते राधा की दशा बुरी हो गई। और फिर आगे क्या मैं बोल रही हूं ना तुम मौन रहो ठीक है। उसके पश्चात उसके पश्चात धन देकर हमारी ही रचना को हमारे सामने नष्ट नहीं कर सकते तुम। अपनी वस्तुओं से इतना मोह अच्छी बात नहीं है। मुझे अपनी वस्तुओं से मोह हो या कुछ भी उससे तुम्हें क्या मतलब। तो मोह के साथ क्रोध भी है ये तो और भी बुरी बात है।
हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी यार। बहुत ही जो है ना फनी सीन्स और वो कहते हैं कि जो वो मीठी सी लड़ाई उन्होंने सारी इसके अंदर जो है सारी शामिल की, तो बहुत ही अमेजिंग सीन्स थे और काफ़ी मज़ा आया देख के, तो आपको भी इतना ही अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बकायदगी से पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।